क्रिसमस प्रतिभा शो का समय है। बैंडिट पहले जा रहा है, वो कुछ जादुई ट्रिक्स कर रहा है। अच्छा किया बैंडिट। ओह, बस्टर घबराया लग रहा है। मुझे लगता है उसे मंच से थोड़ी घबराहट है। बेचारा बस्टर, वो रही स्काउट, अब उसकी बारी है। वो बहुत ही उत्साहित लग रही है। ओह बढ़िया, वो कुछ जगलिंग करने जा रही है। बहुत अच्छा स्काउट। ओ प्रिय, बस्टर अब भी घबराया हुआ लग रहा है। वो उन सभी लोगों के सामने मंच पर जाने से डर रहा है। हुरे, स्काउट ने अपना शो पूरा कर लिया। अब बस्टर की बारी है। ओ, पर बस्टर मंच पर नहीं जाना चाहता। मम्मी बस्टर के बारे में चिंतित हो रही है। मंच खाली है। मुझे लगता है मम्मी के पास एक सुझाव है। ये क्या है? मम्मी मंच पर है। वो बस्टर को उनके साथ मंच पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वे एक साथ करेंगे। ये रहा बस्टर। आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। अच्छी खबरें लाते हम, बस्टर संगाते हम। आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। मैरी क्रिसमस। ओह, अच्छा किया बस्टर और मम्मी, वो सुंदर था। बस्टर और दादाजी क्रिसमस शीतकाल वंडरलैंड में आए हैं। सभी अद्भुत स्टॉलों को देखो। वाह, बस्टर सच में उस टेडी भालू को जीतना चाहता है। वो दादाजी से पूछ रहा है कि क्या वे खेल सकते हैं। उनको 3 थ्रोज मिले हैं कैंस को गिराने के लिए। उप्स, बस्टर चूक गया। ओ प्रिय, ये उसके 3 थ्रो थे। वो एक बार और प्रयास कर रहा है। ओ नहीं, वो फिर चूक गया। बस्टर को बुरा लग रहा है, पर मुझे लगता है दादाजी बस्टर को फेंकते कैसे हैं वो सिखा सकते हैं। जिस पर लक्ष्य साधते हैं उसे मारने के लिए मुख्य काम है अपना समय लेना। सबसे पहले एक लंबी सांस भरे, तब लक्ष्य साधे, थोड़ा झुके और फेंके। वो दादाजी ने कैंस को हिट कर दिया। अब बस्टर की बारी है। एक बड़ी लंबी सांस, लक्ष्य साधो, थोड़ा नीचे झुको और फेंको। हुर्रे, अच्छा शॉट था बस्टर। अब उस टेडी भालू को जीतने की बारी है। ओ प्रिय, बस्टर ने अपना समय नहीं लिया। उसको एक बड़ी लंबी सांस लेनी होगी। लक्ष्य साधो, नीचे झुको और फेंको। हुर्रे, बस्टर ने कर दिया। अच्छा किया बस्टर। और ये रहा उसका पुरस्कार। बस्टर को स्वयं पर गर्व है। हो रहे बस्टर स्काउट घर जाते हुए। रुको, वो क्या था? ओ वाह, यह एक बेबी रेंडियर है। वो खो गया होगा। बस्टर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। ओ, मुझे लगता है वो खेलना चाहता है। वो उछलता कूदता छोटा बच्चा है। अब बस्टर एक स्नोबॉल फेंक रहा है। उप्स, माफ करना स्काउट। नए मित्रों के साथ खेलना मजेदार है। अब बस्टर ने एक स्नो रैंप बना लिया। मैं सोच रही हूँ वो क्या करने वाला है। वूम, बस्टर एक बड़ी कूद मारने वाला है। अब बेबी रेंडियर की बारी है। वुश, अब स्काउट की।
उप्स, क्षमा करना बस्टर, पर बेबी रेंडियर कहाँ चला गया? वो पदचिन्हों के पीछे चल रहे हैं। वहाँ वो लुका छुपी खेल रहा था। स्काउट कहाँ चल दी? हीम की बड़ी ढेरी। ओ देखो, ये स्काउट है। वो रेंडियर के और पद चिन्ह, बड़े वाले। मैं सोच रही हूँ वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है मित्रों के पीछे जाएंगे। ट्रैक तीन पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो, ये मम्मी और डैडी रेंडियर हैं। वो बहुत खुश है कि उनको बेबी मिल गया। बेबी रेंडियर ने बस्टर और स्काउट के साथ खेलते बहुत मजा किया, पर अब विदा कहने का समय है। विदा रेंडियर, शीघ्र मिलते हैं। यह एक सर्दी की ठंडी रात है। बस्टर क्या कर रहा है? ओ वाह, पटाखों का एक चित्र। बस्टर बहुत उत्साहित है क्योंकि आज रात वो सच में एक पटाखों के शो में जा रहा है। पर रुको, वो कुछ भूल रहा है, एक अच्छी गर्म हैट। चलो अब जाकर पटाखों को देखने का समय हो गया है। ओह, वो क्या है? पटाखे ऊंची ध्वनि करते हैं। ओ प्रिया, उन्होंने बस्टर को डरा दिया। उसे ऊंची ध्वनि पसंद नहीं। ओ बेचारा बस्टर, वो कांप रहा है। मम्मी क्या कर रही है? ओ, बस्टर की खिलौना कार ऊंची ध्वनि करती है, पर वो डरावनी नहीं है। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? यह दादाजी है सॉकर सिटी के साथ। बस्टर को सॉकर पसंद है, उसे इस ऊंची ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? ओ, ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बस्टर को पॉपकॉर्न पसंद है, उसे इस ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वाह, पटाखे कितने सुंदर हैं। शायद ऊंची ध्वनियां इतनी भी बुरी नहीं होती। बस्टर एक बार फिर कोशिश करेगा। वो उन रंगीन पटाखों को देखो। हेलो बस्टर, वाह, इस डरावनी हरी कीचड़ को देखो, तुम इसे हर जगह फैला रहे हो। देखो टेरी ट्रैक्टर, मुझे नहीं लगता कि वो कीचड़ में लिपटना चाहता है। देखो वो कितना सावधान है। प्रतीक्षा करो बस्टर, देखो तुम सीधा टेरी की तरफ जा रहे हो। ओह, वो करीबी मामला था, देख के बस्टर। ओ प्रिया, तुमने कीचड़ टेरी के ऊपर छिड़क दिया। मुझे नहीं लगता कि वह बहुत प्रभावित है। बस्टर फिर से चला गया। हरे कीचड़ में मजा आ रहा है। देख के, ओ नहीं, बस्टर चिपचिपे कीचड़ में फंस गया है। प्रिया, ओ प्रिया, वो वास्तव में बुरी तरह से फंस गया है। सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है, डरावना है। मुझे उम्मीद है बस्टर ठीक हो जाएगा। देखो सभी, टेरी ट्रैक्टर, वह आज बचाने आया है। टेरी हालांकि इस बारे में बहुत खुश नहीं है। टेरी, कृपया बस्टर की मदद करो, उसे बस एक बड़ा धक्का चाहिए। तुम ये कर सकते हो? एक, दो, वाह, हो गया। धन्यवाद टेरी। ओह बस्टर, अच्छा है टेरी ट्रैक्टर चिपचिपे हरे कीचड़ में से बस्टर को बचाने के लिए आया। बाय टेरी, बाय बस्टर। देखो, यह बस्टर, स्काउट और डिगली है। यह क्रिसमस का मौका है और ये सांता का उपहारों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। सोने का समय हो गया है दोस्तों, यदि तुम अभी भी जागते रहोगे तो सांता नहीं आएगा। ओह, यह शातिर खतरनाक बैंडिट बस है।
पापा इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वाह, सांता पेड़ के नीचे उपहार रख रहा है। वह आज रात बहुत व्यस्त होगा। अरे नहीं, बैंडिट पेड़ के नीचे से सभी उपहार चुरा रहा है। वह क्या खलनायक है, अब वह दूर ले जा रहा है। सही हुआ उसके साथ। अब उसने क्या देखा? गोल्डन क्रिसमस का सितारा। वह उसे भी चुराने जा रहा है। ओ प्रिय, वह पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो, अब बैंडिट उलझ गया है। उसे सुलझने में उम्र लग जाएगी। पूरी रात लगी, लेकिन बैंडिट आखिरकार मुक्त हो ही गया। अब वह उपहारों के साथ चुपके से जा रहा है। ओ बेचारा बस्टर, सब उपहार चोरी हो गए हैं। वह बहुत निराश दिखता है। बैंडिट वास्तव में सबसे बुरा है। लेकिन रुको, ये क्या है? बैंडिट क्या कर रहा है? देखो, बैंडिट सभी उपहारों को वापस पेड़ के नीचे रख रहा है। शायद वह इतना नीच नहीं है। वाह, उपहार वापस आ गए। आखिर बस्टर खुश हुआ। क्रिसमस की शुभकामनाएं। वहाँ सांता है। वह बैंडिट से बहुत खुश नहीं है। पर ये क्या, उसने पेड़ के नीचे बैंडिट के लिए भी एक उपहार रखा है। बैंडिट ने उपहार वापस रखकर इसे अर्जित किया। तुमने सही किया बैंडिट, क्रिसमस की शुभकामनाएं। अरे बस्टर, वो क्या है जिसे तुम आकाश में देख रहे हो? अरे वाह, यह बिना पहियों की गाड़ी वाला सांता है, मगर वो बहुत तेजी से जा रहा है। ओ, मुझे लगता है वह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। जल्दी बस्टर जाओ और देखो सांता को किसी मदद की जरूरत तो नहीं। वहाँ बेपहिये की गाड़ी है और हिरन है, और देखो वहाँ खुद सांता है। ओ प्रिय, बेपहिये की गाड़ी टूट गई है। अब सांता सभी उपहारों को समय पे कैसे पहुँचाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि शायद बस्टर कुछ मदद कर सके। मुझे लगता है कि सांता के पास एक विचार है। मैं सोच रही हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओ, सांता बस्टर पर बैठा है, और वहाँ यह जादुई चमक क्या है? ओ आशीर्वाद बस्टर। ठीक है, तुम चलो उस पेड़ को देख के। रुको, हाँ? वाह, बस्टर उड़ रहा है बिल्कुल सांता की बेपहिया गाड़ी की तरह। अब ये समय पर उपहार पहुंचा सकते हैं। देखो स्काउट, यह उपहार कहाँ से आया? अच्छा काम किया बस्टर और सांता। यह डिग्नी है जो शहर के चौक में क्रिसमस ट्री सजा रहा है। मैरी क्रिसमस डिग्नी। टेरी है अपने खेत में। बस्टर और सांता ने उसके लिए एक उपहार छोड़ दिया है। वाह, यह सब उपहार दे दिए गए हैं। अच्छा किया बस्टर, तुमने सांता की मदद की। अब वह उत्तरी ध्रुव पर घर वापस गया है। यह फिर से जादू का पाउडर है। ओ, अब समझा, जादू वाला पाउडर बस्टर को उड़ने देता है। मेरी क्रिसमस बस्टर। बस है, लगता है उसे पतंग उड़ाने में मजा आ रहा है। देखिए, अरे नहीं, स्काउट ने गलती से बस्टर को टक्कर मार दी और अब पतंग दूर उड़ गई है। मुझे यकीन है कि स्काउट यह नहीं करना चाहती थी बस्टर। देखो ये क्या है, ये सांता के लिए एक पत्र है, लेकिन इसे पहुंचाया नहीं गया है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक आइडिया है। वह यह पत्र स्वयं पहुंचाने जा रहा है कि सांता को सुरक्षित रूप से प्राप्त हो। ओ नहीं, पत्र। ओ, मदद के लिए धन्यवाद रॉबिन। ये गया बस्टर। यह नॉर्थ पोल का एक लंबा रास्ता है जहाँ सांता रहता है। यह ठंडा और मुश्किल है बस्टर, सावधानी से कहीं घूम मत जाना। ओ प्रिय, लगभग पहुँच ही गए। क्या है, हिरन पटरिया? देखो यहाँ सांता है, बस्टर ने कर दिया। सांता कह रहा है, हेलो बस्टर, जाओ और से जाके पत्र दे दो।
बस्टर ने इसे पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता तय किया। आइए देखें कि ये क्या कहता है। वाह, यह सांता को क्रिसमस पे बस्टर को पतंग देने के लिए कह रहा है। यह स्काउट से है। कितनी वफादार दोस्त है स्काउट। मुझे लगता है सांता जानता है कि क्या करना है। अच्छी तरह पत्र पहुंचाने के लिए धन्यवाद बस्टर। क्रिसमस की सुबह आ गई। जागो बस्टर। ओह, पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं है। शायद सांता बहुत व्यस्त था। रुको, आखिरकार एक उपहार है। क्रिसमस की शुभकामनाएं बस्टर। और यह रही बस्टर की कोई पतंग के बदले एक और पतंग, जैसा स्काउट ने कहा था। धन्यवाद स्काउट, इतना विचारशील क्रिसमस उपहार। अरे बस्टर, वह स्काउट के साथ ड्राइव के लिए जा रहा है। देखो, वहाँ टोनी डिलीवरी ट्रक है। लगता है स्काउट और बस्टर उसका पीछा करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि आज वो कहाँ जा रहा है। उन्हें एक साथ बहुत मजा आ रहा है। बोंदू स्काउट। बस्टर सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा है। देख के बस्टर, वह काफी करीब था। ध्यान दो बस्टर, तुम लगभग टोनी को पीछे से टक्कर मारने वाले थे। अरे देखो, सड़क में एक गड्ढा है और टोनी उसी की तरफ सीधा जा रहा है। अरे नहीं, गड्ढे के कारण टोनी के दरवाजे खुल गए हैं। देख के बस्टर स्काउट, ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ बक्से बाहर गिर सकते हैं। बक्से सड़क पर उड़ उड़ कर गिरने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि टोनी ने गौर भी किया है। और एक और बक्सा गिरने वाला है। वाह, तीव्र सोच बस्टर, महान पकड़। ये आया एक और। अच्छा किया स्काउट, महान काम। अरे नहीं, सावधान स्काउट। स्काउट ने नियंत्रण खो दिया है और सड़क से दूर जा रही है। उसका बक्सा उस पेड़ के ऊपर अटक गया। ओ देखो, टोनी को उस लाल बत्ती पर रुकना है। तुम्हें कुछ समय मिल जाएगा। जल्दी करो बस्टर, तुम्हारे पास बक्से वापस करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अच्छी सोच बस्टर। अब तुम्हें बस इतना करना है कि बक्सों को वापस कैसे डाला जाए। लगता है स्काउट के पास एक विचार है। महान काम स्काउट, तुम लकड़ी की उस तख्ती को ढलान की तरह उपयोग कर सकते हो। ये देखो, बक्सों को उतारने की बिल्कुल सही जगह। बहुत बढ़िया काम। अब तुम दरवाजे बंद कर सकते हो बस्टर, हरी रोशनी होने के समय के भीतर। टोनी चला। मुझे लगता है कि वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह अपने सभी बक्सों को खोने के कितने करीब था। बहुत बढ़िया बस्टर, बहुत बढ़िया स्काउट। ओ बस्टर, अरे नहीं, बस्टर वास्तव में बीमार लग रहा है। हेलो स्काउट, मुझे लगता है स्काउट खेलना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि बस्टर आज खेलने के लिए स्वस्थ है। बस्टर वास्तव में बीमार महसूस कर रहा है। जल्दी करो स्काउट, जाओ और कुछ मदद लेके आओ। ओ बेचारा बस्टर, ठीक हो जाएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार हो जाते हैं। अरे देखो, स्काउट बस्टर की देखभाल करने के लिए एम्बर एम्बुलेंस लाई है। महान विचार स्काउट, एम्बर को पता होगा कि बस्टर को बेहतर महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए। एम्बर एम्बुलेंस बस्टर को अपने गैराज में वापस लाने में मदद कर रही है। आइए देखें कि क्या वह पता लगा सकती है कि बस्टर के साथ क्या गलत है। पहले बस्टर के टायर जांचते हैं। अरे देखो, इसमें से सारी हवा निकल गई है। इसे पंप करने की आवश्यकता है। ये देखो, यह बेहतर है। बस्टर पहले से बेहतर लग रहा है। ओ, लेकिन तुम अभी भी मौसम के तहत थोड़ा सा सुस्त हो। आहा, थर्मामीटर द्वारा बस्टर के तापमान की जांच करते हैं। यह ठीक नहीं लग रहा है बस्टर। एम्बर के लिए बस्टर के इंजन का जांच करने का समय है। अरे नहीं, तेल का रिसाव हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। एम्बर अपने स्पैनर के साथ इसे ठीक करेगी। ठीक है बस्टर, जल्दी हो जाएगा। बस कुछ और कसे। ये हो गया, महान काम एम्बर। लगता है बस्टर फिर से अपने सामान्य रूप में वापस आ गया है। मुझे लगता है कि तुम बाहर जाने और खेलने के लिए अब स्वस्थ हो बस्टर। वह बहुत प्रसन्न लग रहा है। वही बस्टर जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। एम्बर के जाने का समय हो गया है। बाय एम्बर, बस्टर की देखभाल के लिए धन्यवाद। ये गए स्काउट और बस्टर खेलने के लिए। अलविदा बस्टर। यह एक सुंदर दिखने वाला फूल है।
क्या एक चमकदार धूप वाला दिन है। बस्टर आज बहुत खुश है। और वहाँ देखो एक अच्छा रसदार लाल सेब। बेहतर है जल्दी करो बस्टर, या तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सबक शुरू हो चुका है, जल्दी। ओ प्रिय, मुझे नहीं लगता शिक्षक तुम्हारे देर से आने से बहुत खुश है बस्टर। तुम बेहतर तरीके से अब पाठ पे ध्यान दो। आज लगता है कि तुम्हें कोन्स के माध्यम से ड्राइव करना होगा। ये आया रॉबिन। ध्यान दो बस्टर, विचलित मत हो। ओ प्रिय, शिक्षक बिल्कुल खुश नहीं दिखता है। कोन्स के माध्यम से गाड़ी चलाने का समय है। नारंगी बस पहले जा रही है। धीमी और स्थिर उसने कर दिया। शिक्षक प्रसन्न दिखता है। अब तुम्हारी बारी बस्टर, गुड लक। ओ बस्टर धीरे चलो, तुम कोन से टकरा रहे हो। कोशिश करो और कोन्स के अंदर रहो। ओ प्रिय, ये वो नहीं है जो तुमको करने के लिए कहा गया था, जो तुम्हें बहुत तेज चलाना सिखाएगा। शिक्षक बहुत निराश है। यहाँ स्कूल की छुट्टी होने का समय है, सभी के घर जाने का समय है। मुझे लगता है बस्टर दुखी है कि उसने पार्क में जो बताया गया था वह नहीं किया। शायद उसे जाना चाहिए और शिक्षक से सॉरी कहना चाहिए। शिक्षक वास्तव में थका हुआ लग रहा था। उसके लिए भी बहुत व्यस्त दिन था। मुझे लगता है वह उन्हें खुश कर सकता है। अब तुम क्या कर सकते हो? ओ सेब, महान सोच बस्टर, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और तुमने शिक्षक को खुश किया। ओ जाओ बस्टर, इस बार तुम कर सकते हो। धीमे और स्थिर होकर, यह सही है। तुम ध्यान केंद्रित कर रहे हो और वास्तव में अच्छी तरह कर रहे हो। तुमने कर दिया, अच्छा काम बस्टर, बहुत बढ़िया। बताओ और बस्टर बस की एक परियों की कहानी सुनो। बस्टर बस वो रहा, लगता है वह मोहित मन से होके जा रहा है। पर रुको, सड़क के किनारे ये क्या है? मुझे लगता है यह एक जादुई पुस्तक है। वाह, बस्टर इसे जादू करने के लिए उपयोग कर सकता है। देखो, यह स्काउट टेरी और जेसी है नगर के चौराहे पर। मुझे लगता है बस्टर कुछ जादू करने का प्रयास करेगा। आओ देखें। वाह, एक जादूगर की टोपी। बस्टर सच में जादू कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि बस्टर टेरी की सहायता के लिए क्या करेगा। एब्राकडाब्रा। वाह, बस्टर ने पौधों को बड़ा कर दिया। अच्छा काम जादूगर बस्टर। जादुई पुस्तक में और कौन सा जादू है? मधुमक्खी का जादू। ओह देखो, बस्टर ने स्काउट को एक मधुमक्खी बना दिया। उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है जेसी भी उड़ना चाहती है। उसके लिए कौन सा जादू है? बुलबुले। अच्छा है, जैसी अपने बुलबुले में उड़ रही है। अच्छा काम जादूगर बस्टर। ओ देखो, उसे नींद आ रही है। सोने का समय हो गया बस्टर। ओहो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। जादू नियंत्रण से बाहर हो गया है। जल्दी करो बस्टर, तुम्हें सब कुछ पहले जैसे सामान्य करना होगा। जल्दी करो बस्टर। यह सारे जादू रद्द कर दिए गए, परंतु मुझे नहीं लगता कि बस्टर के सारे मित्र उसे खुश हैं। बस्टर जादुई पुस्तक को वहीं वापस रख रहा है जहां से वह मिली थी। शायद यह एक बस्टर और रॉबिन है। लग रहा है बस्टर बबलगम का बहुत आनंद ले रहा है। वो क्या है? बोतल में एक संदेश। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो सकता है। वाह, यह एक खजाने का नक्शा है। स्थान को एक्स से चिन्हित किया गया है। बस्टर और रॉबिन दबे खजाने को ढूंढने जा रहे हैं। अब उन्हें किधर जाना चाहिए? वह रही जेटी, और देखो वह रहा डेजर्ट द्वीप। उन्होंने ढूंढ लिया। ओहो, पानी शार्क से भरा है। उन्हें एक सुरक्षित राह ढूंढना होगा। देखो, यह कैटरीना स्टीमबोट है। वह तट पर फंसी हुई है। उसे पानी में वापस धकेला जा सकता है। हो गया बस्टर, बहुत अच्छा। ठीक, कैटरीना पानी में वापस आ गई। पर ओ प्यारे, एक छिद्र है। कैटरीना डूब सकती है अगर किसी ने इसे ठीक नहीं किया।
किया तो? मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। मैं सोच रही हूँ वह बबलगम से क्या करेगा। ओह, वह छिद्र को बबलगम से बंद कर रहा है। बहुत चतुर बस्टर, अब शार्क्स उन्हें नहीं पकड़ेंगे। अगला स्टॉप डेजर्ट द्वीप। बहुत अच्छा, बस्टर द्वीप पर आ गया है। अब उसे खजाने को ढूंढना है। यही कहीं है। वहाँ स्थान को एक्स से चिन्हित किया गया है। बस्टर खुदाई कर रहा है। वाह, एक खजाने की पेटी। देखो, एक सोने का सिक्का। मैं सोच रही हूँ बस्टर इसका क्या करेगा। देखो, डिगली कैटरीना पर काम कर रहा है उसका रिसाव ठीक करते हुए। ओह, बस्टर सिक्के से डिगली को भुगतान कर रहा है। वह कैटरीना की ठीक होने में सहायता कर रहा है। अपने नए मित्र को धन्यवाद कहने के लिए। कितना दयालु है। कितना मजेदार साहसिक कार्य था। यह बस्टर बस है। मैं सोच रही हूँ आज वो क्या कर रहा है। एक ईस्टर अंडा शिकार। वो रहा एक अंडा। अच्छा काम बस्टर। एक और है। दो हो गए और तीन, चार, पांच, इतने सारे। वो, ये तो बहुत से ईस्टर अंडे हैं बस्टर। यह स्वादिष्ट दिख रहे हैं। बस्टर को चॉकलेट अंडे पसंद है। स्वादिष्ट। बस्टर जितने अंडे वो चाहे खा रहा है। सुप्रभात बस्टर। ओ प्यारे बस्टर, की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसके पेट में दर्द है। मुझे लगता है उसने बहुत ज्यादा ईस्टर चॉकलेट अंडे खा लिए। ये रही स्काउट कार देखने के लिए कि क्या बस्टर ठीक है। वह बहुत बीमार लग रहा है। बेचारा बस्टर। स्काउट उसको एम्बर एम्बुलेंस के पास ले जाएगी। वह सहायता कर पाएगी। वो रही एम्बर। उसको पता होता है कि छोटी बसों को कैसे अच्छा करना है। हाँ, बस्टर बीमार है पर भाग्य से एम्बर के पास कुछ दवाई है। मुंह खोलो बस्टर, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर इतना ही नहीं, यदि बस्टर को अपना पेट ठीक करना है तो उसे कुछ सेहतमंद खाना होगा। हा? जैसे कि एक सेब। ये रहा, यह बस्टर के बुदबुदाते पेट को शांत करेगा। अगले दिन बस्टर को अच्छा लग रहा है। ओहे, यह डिगली डिगर है। डिगली के पास क्या है? ओहो, एक और चॉकलेट ईस्टर अंडा। नहीं, मुझे लगता है बस्टर ने एक ईस्टर के लिए पर्याप्त चॉकलेट खा ली है। वह जैसी जीप है, उसके पास एक केक है। वाह, यह स्वादिष्ट दिखता है। पर बैंडिट बस आ रहा है। वह शरारती लग रहा है। ओ नहीं, वह जेसी का केक खा रहा है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। बेचारी जेसी। वह रहा बस्टर बस और वो रहा बैंडिट तेजी से ड्राइव करता हुआ। देखो, बस्टर स्काउट के साथ खेलने गया है। उसने उसे एक साकर गेंद भेंट के रूप में दी है। स्काउट को खेलते देखो। उसे देखो, डिगली एक रंगीन स्तंभ बना रहा है। पर बैंडिट आ रहा है। मैं सोच रही हूँ यह बुरी दगाई क्या करेगा। ओ नहीं, उसने डिगली के स्तंभ को गिरा दिया। बैंडिट हानिकारक है। ओहो, उसने स्काउट की गेंद को देख लिया। बैंडिट अपने लिए गेंद को चुरा रहा है। कैसा दगाई है। बस्टर कुछ करना चाहता है। बेचारी स्काउट बहुत दुखी है। बस्टर अपने मित्र की सहायता करना चाहता है। वह बैंडिट के सामना करेगा तथा उससे गेंद को वापस ले लेगा। मुझे नहीं लगता बैंडिट बस्टर की सुनेगा। वह उसे ही धमकाएगा। यह ठीक नहीं है।
पर रुको, जैसे ही बस्टर के साथ खड़ी हो रही है, स्काउट भी सहायता के लिए आ गई है। वह सारे बैंडिट के दगाई होने से तंग आ चुके हैं। वह रही ओटिस पुलिस कार, आइसक्रीम का आनंद लेती हुआ। उप्स, बैंडिट ओटिस से टकरा गया। ओटिस क्रोधित दिख रही है, बैंडिट के लिए अच्छा हुआ, सबके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। अब बस्टर, स्काउट और जेसी शांति से सॉकर खेल सकते हैं। फार्म पर बहुत ही गर्मी का दिन है। देखो, मुझे लगता है टेरी बस्टर को कुछ दिखाना चाहता है। हे, यह मोंटी है, गर्म हवा का गुब्बारा। वह टेरी का एक पुराना मित्र है। हेलो बोलो बस्टर। हवा में गुब्बारे की तरह तैरना बहुत ही मजेदार होगा, पर ओहो, हवा का बहाव बढ़ गया है। मैं आशा करती हूँ कि मोंटी कहीं उड़ ना जाए। ओ नहीं, रस्सी टूट गई और हवा मोंटी को दूर उड़ाए लिए जा रही है। जल्दी करो बस्टर, उसका पीछा करना होगा, वरना कौन जाने वह कहाँ चला जाए। मोंटी बहुत ऊंचा है, उसे नीचे कैसे उतरेंगे। देखो एक रस्सी। मैं सोच रही हूँ कि बस्टर के मन में क्या है। जल्दी करो, तुम्हें मोंटी से आगे निकलना होगा। बस्टर क्या करेगा। बिल्कुल, रस्सी का एक फंदा। रस्सी डालो काउबॉय। आह, इतना पास, पर मोंटी अभी भी दूर उड़ता जा रहा है। मोंटी को बचाने के कोई तो राह होना चाहिए। बस्टर को अब क्या दिखा। यह इगी आइसक्रीम ट्रक है, ढेर सारे गुब्बारे के साथ। मुझे लगता है मुझे बस्टर की योजना पता है। देखो, बस्टर ने सारे गुब्बारे अपने ऊपर बांध लिए और अब वह गगन में उड़ रहा है। जाओ बस्टर, तुम कर सकते हो। मोंटी को पकड़ लो। लगभग तुमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छा किया बस्टर, तुमने बचा लिया। मोंटी बहुत आभारी दिख रहा है। मोंटी फिर से सुरक्षित बंधा है। वह उस गुब्बारे की भांति नहीं उड़ेगा। अच्छा काम बस्टर। हे बस्टर, रेगिस्तान में एक गर्म दिन लग रहा है। वो आगे उसको देखो, एक बड़ी पहाड़ी शिखर पर धुएं के साथ। वो क्या था। वो रीटा स्पोर्ट्स कार है। वह धुएं वाली पहाड़ी की ओर तेजी से जा रही है। मुझे लगता है वह रेस लगाना चाहती है। बस्टर और रीटा रेगिस्तान में तेजी से साथ साथ जा रहे हैं। रीटा तेज है, चलो बस्टर, तुम कर सकते हो। देखो बस्टर उस रैम का उपयोग रीटा के पीछे कूदने के लिए कर रहा है। फिर यह शिखर तक एक मजेदार रेस थी। पर देखो वो क्या है, गर्म पिघला लावा। मुझे लगता है यह ज्वालामुखी है, यह किसी भी समय फट सकता है। ओहो बस्टर, उस पत्थर से बच के। ओ नहीं, यह लावा में गिर गया है। फिर कुछ नहीं हुआ। ओ नहीं, मुझे लग रहा है ज्वालामुखी फट रहा है। जल्दी करो, वहां से निकलो। ओ नहीं, ज्वालामुखी से आग के गोले निकल रहे हैं। ध्यान से, वह सच में गर्म है। ओ नहीं, रीटा रेत में फंस गई है। बस्टर साहसी बन रहा है तथा अपने नए मित्र की सहायता करेगा। अच्छा काम बस्टर, अब जल्दी से ड्राइव करो। और तेज, और तेज। फ्यू, बहुत बाल बाल बचे। ये रही एशली फायर ट्रक, वो प्रसन्न नहीं दिख रही है। वह सारी आग बुझाने वाली है। बस्टर और रीटा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि ज्वालामुखी फटे। बाल बाल बचे, पर बस्टर ने एक बिल्कुल नया मित्र बना लिया। विदा बस्टर, विदा रीटा। देखो, यह ताजी सुबह में बस्टर बस है। वह आज क्या करने जा रहा है। वो क्या है, बीच। वो बस्टर कुछ फल और सब्जियां उगाने वाला है। बस्टर सब्जियों वाले टुकड़े की ओर जाता है और निर्देशों को देखता है। पहले उसे बीज को डालने के लिए गड्ढा खोदना होगा। बस्टर खोदना चालू करता है।
ओ प्रिया, यह बहुत समय ले सकता है, पर देखो वो रहा डिगली, वह सहायता कर सकेगा। डिगली खोदने में सबसे अच्छा है और वो अपने मित्रों की सहायता करके हमेशा खुश होता है। डिगली कुछ ही समय में बीजों के लिए गड्ढा खोद देगा, कोई परेशानी नहीं है। अब बस्टर गड्ढे में सारे बीज डाल रहा है और दूसरे पग को देखता है। धूप, बीजों को बढ़ने के लिए धूप चाहिए, पर ओ गगन में आज बादल है, पर देखो वो रहा मोंटी गर्म हवा का गुब्बारा, शायद वो सहायता कर सकता है। ये लो, मोंटी ने बादल को दूर भगा दिया, अब बीज बढ़ रहे हैं। अब तीसरा पग, वर्षा, लगता है मोंटी के लिए एक और काम है। वो बादल पर कूद रहा है और अति उत्तम, अब उनको बीज के बढ़ने का इंतजार करना है। कई दिन बीत गए, पौधे बड़े हो जाते हैं। फिर एक ताजी सुबह बस्टर अपना कैलेंडर देखता है, आज का ही दिन है। देखो, लाल टमाटर, संतरी पेठा, पीली मीठी मक्की, हरे मटर और बैंगनी बैंगन। बहुत अच्छा बस्टर, उसने जो रंगीन फल और सब्जियां उगाई है उनको देखो, अब वो उनको अपने मित्रों के साथ बांट सकता है। हेलो बस्टर, लगता है तुम्हें कीचड़ के पोखरों में छप छप करके बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें कीचड़ लग रही है। और ये कौन है? टेरी ट्रैक्टर है, वह बस्टर से थोड़ा अधिक सावधान है। बस्टर को इन सारे पोखरों में होके जाना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, वो सीधा टेरी ट्रैक्टर से टकराएगा। बच गए, बहुत पास का मामला था। ध्यान रखो बस्टर, पोखर फिसलन से भरे हैं। ओ टेरी ट्रैक्टर बस्टर से बिल्कुल खुश नहीं है, वो दोबारा जा रहा है। ध्यान रखो इस बार तुम कहाँ जा रहे हो बस्टर, ध्यान से। ओ नहीं, बस्टर फंस गया। बुद्धू बस्टर, अब वो क्या करेगा? सूरज छिप रहा है और अंधेरा छा रहा है, आशा है कि बस्टर ठीक होगा। देखो टेरी ट्रैक्टर आ रहा है, वो सहायता के लिए आ गया, मगर टेरी इसके बारे में खुश नहीं दिख रहा है। कृपया बस्टर की सहायता करो टेरी, उसे केवल एक धक्के की आवश्यकता है। क्या वो कर रहा है? एक, दो, ये हो गया। हुरे! धन्यवाद टेरी। ओह बस्टर, शुक्र है टेरी ट्रैक्टर था सहायता के लिए। विदा टेरी, विदा बस्टर। ओ वाह, बस्टर एक रॉकेट बन गया है और वह अंतरिक्ष में जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, छोड़ो। बस्टर को जाते देखो। ठीक है, तुमने कर दिया बस्टर, अब तुम अंतरिक्ष में हो। कितनी अच्छी जगह है, मुझे लगता है बस्टर अंतरिक्ष को खोजने के लिए जाना चाहता है। उसे देखो, यह एक लाल ग्रह है, आओ पास से देखने के लिए चलें। हेलो छोटे अंतरिक्ष मित्र, मुझे विश्वास है एलियंस ने कभी पहले एक बस को नहीं देखा होगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो बस्टर? ओ एक पीला ग्रह, यह कितना सुंदर है, इसके चारों ओर एक बड़ी पट्टी के साथ। उसे देखो, बस्टर पट्टी पर ड्राइव करना चाहता है, आओ देखें तुम कितना तीव्र जा सकते हो। वो यह मजेदार था। अब बस्टर को क्या दिखा? यह एक जामुनी ग्रह है, यह कितना बड़ा है, नहीं? वो बस्टर ग्रह के चारों ओर जाता है, जामुनी ग्रह के चारों ओर, पीले ग्रह के और लाल ग्रह के। पर रुको, ओ नहीं, एक नीला ग्रह, बस्टर अधिक तीव्र जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो इससे टकरा जाएगा। ओ ईश्वर का धन्यवाद, यह मात्र एक सपना था।
तुम ठीक हो बस्टर। देखो स्काउट अपनी दूरबीन का उपयोग कर रही है रात के आकाश को देखने के लिए। तुम भी देखो बस्टर, एक जामुनी ग्रह है, एक पीला ग्रह और एक लाल ग्रह। हेलो छोटे अंतरिक्ष मित्र। हेलो बस्टर, वो पोस्टर कैसा है? एक फायर ट्रक, यह रोमांचक लग रहा है नहीं? देखो ये एशली फायर ट्रक है। मुझे लगता है बस्टर अग्निशमन दल से जुड़ना चाहता है। जाओ बस्टर, नौकरी के पहले दिन के लिए तैयार होने का समय हो गया है। मात्र कुछ छोटे से बदलाव और वाह, इसे देखो, बस्टर सच में एक फायर ट्रक है। उसके पास एक सीढ़ी, एक सायरन तथा एक पानी की नली है। ओहो, फायर अलार्म, कहीं आग लगी है। एशली को जाना है इसे संभालने के लिए। तुम यहीं रुको बस्टर। हे, यह टोनी ट्रक है। उस गड्ढे से बच के। ओ नहीं, उस गिरते डब्बे से आग लग गई अग्निशमन कार्यालय में। अब हम क्या करेंगे? जल्दी बस्टर फायर ट्रक, उसे बुझाओ। ओहो, आग छत तक फैल गई है। पानी फेंकते रहो बस्टर। हुर्रे, रॉबिन आ गया है सहायता के लिए और एशली भी वापस आ गई है। तुम ये कर सकते हो यदि तुम एक साथ काम करो। दो फायर ट्रक बेहतर है एक से। फ्यू, आखिरकार आग बुझ गई। अच्छा काम बस्टर और एशली। देखो पुनः वही पोस्टर है, पर ठहरो, अब बस्टर है पोस्टर पर। वाह, तुम सच में एक नायक हो बस्टर।